वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल किन्होंने दिया ये तो आप सभी को मालूम है, किन्होंने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। और इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे अगर आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लिपिड्स के समुद्र में प्रोटीन्स नामक मछलियाँ तैर रही है ना। प्रोटीन्स नामक मछलियाँ जो है वो तैर रही है और वो रहती है विभिन्न रूप से। तो चलिए इसे ही हम लोग स्टडी करते हैं। इनके अनुसार क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीनियस है। ये तो हम लोग देख ही लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ट्राइलामिनार होता है, यह भी हम लोगों ने सीखा। और फास्फोलिपिड जो होता है वह बाईलेयर इज फ्लूइड। फास्फोलिपिड बाईलेयर रहेगा जो क्या रहेगा, फ्लूइड के रूप में रहेगा इन नेचर। विच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। और फास्फोलिपिड बाईलेयर जो है वह आपका फ्लूइड के रूप में है, इसलिए यह दो तरह का मूवमेंट शो करता है। फर्स्ट शो करता है ट्रांजिशन मूवमेंट्स और सेकेंड शो करता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करता है। ट्रांजिशन मूवमेंट्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन विद द सेम लेयर। मॉलिक्यूल्स जो है एक ही लेयर में अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से उठकर वहां, वहां से उठकर वहां, वो जाते आते रहते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स में क्या है कि मॉलिक्यूल्स जंप करते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में। मॉलिक्यूल्स ऑफ टू लेयर्स कैन बी इंटरचेंज। एक लेयर से दूसरे लेयर्स में मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। यानी फास्फोलिपिड जो है लेयर जो है वह क्या है, फ्लूइड है, और ये दो तरह का मूवमेंट शो कर रहा है, ट्रांजिशन मूवमेंट्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। अब आप देखिए, आपको तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये जो देख रहे हैं ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, यही ना हम लोग पढ़े थे पहले भी, सेम ही है लगभग, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। दूसरा कि फास्फोलिपिड जो लेयर जो रहता है वह आपको फ्लूइड की तरह रहता है, ठीक है ना। तो ये फास्फोलिपिड लेयर हो गया और प्रोटीन्स जो है, यानी कि ये पूरा लिपिड का क्या हो गया, समुद्र हो गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह जो है यह आपका प्रोटीन्स है, क्या है, तो ये प्रोटीन्स है। और ये जो प्रोटीन्स जो होता है आप देखेंगे, प्रोटीन्स जो होंगे वो या तो ऊपर की तरफ रहेंगे या बीच में अंदर की तरफ घुसे हुए रहेंगे या पूरा का पूरा सबमर्ज रहता है। यानी प्रोटीन्स क्या हैं, ये नामक जो ये मछलियां हैं या नाव हैं जो तैरते रहेंगे ऊपर या नीचे या बीच में घुसे रहेंगे या पूरा का पूरा घुसा रहेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है और इस पर कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं, है ना। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। प्रोटीन्स जो होते हैं आर ग्लोबुलर। प्रोटीन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ग्लोबुलर होंगे। और टू टाइप्स प्रोटीन्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये ध्यान देने का चीज़ है। प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन्स कैसे हैं, तो ग्लोबुलर हैं। और दो तरह से प्रोटीन्स होते हैं, और एक प्रोटीन्स जो होता है वह होता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जिसे कि हम लोग पेरीफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का ही दूसरा नाम है पेरीफेरल प्रोटीन्स, और दूसरा है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो दो तरह के से प्रोटीन्स आपको इस आइसबर्ग्स में, लिपिड्स के आइसबर्ग में मौजूद रहते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का सेकंड नेम क्या है, जल्दी से बताइए क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन्स। और इंट्रिंसिक का सेकंड नेम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ओके। और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर सो लार्ज साइट दैट दीज प्रोजेक्ट ऑन बोथ द सर्फेसिज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाईलेयर एंड आर कॉल्ड ट्यूनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि इतना सबमर्ज कर जाता है कि इस पार से उस पार तक चला जाता है, यानी एक टनल का काम करता है। टनल क्या होता है, सुरंग से गाड़ी जो पार करती है उसे हम लोग टनल कहते हैं, है ना। सुरंग से गाड़ियों को पार करने के लिए हम लोग, आपका बड़े बड़े पहाड़ देखिएगा, पहाड़ में क्या होता है, सुरंग बना दिया जाता है ना। और इस सुरंग से क्या होती है, गाड़ियां पार करती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं टनल। उसी नाम पर कहा गया कि टनल और ट्रांसमेरे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उसे हम लोग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देखिए, तो ये जो प्रोटीन्स है
आप जो यहाँ जो प्रोटीन देख रहे हैं यह प्रोटीन क्या है, टनल प्रोटीन है। और अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये टनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो आपको समझ में आ गया कि कैसा प्रोटीन्स होता है या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है, और ये इस पार से उस पार लिपिड्स के लेयर में धंसा हुआ रहता है और एक टनल का काम करता है। दीज एक्ट एज चार्ज चैनल्स फॉर द पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स, और ये चार्ज चैनल्स का तरह काम करता है कि वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स को इस पार से उस पार ये प्रवाहित करने में मदद करेगा। कौन? टनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और जितना भी इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो क्या है, तो पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके पास दो स्पेसिफिक एंड्स होता है, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल। आप जो देखिएगा ये जो आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, एक हेड रहते हैं और इसको दो टेल रहते हैं, दो पुछिया रहती है, और दोनों टेल जो रहते हैं फ्रंट में रहते हैं, ये तो हम लोग बहुत पढ़े हैं। और ये जो है हेड जो इसका है, यह जो हेड है, यह हेड जो है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो गया, एल लगा हुआ यानी वाटर लवर है, है ना, और बना हुआ किस चीज का रहता है, तो ग्लिसरॉल का बना हुआ रहता है, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल। और इसकी जो टेल जो होती है, ये जो पुछिया जो होती है, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। टेल जो है वो क्या रहते हैं, हाइड्रोफोबिक रहते हैं और टू फैटी एसिड चेन्स के बने हुए होते हैं, और इस दो फैटी एसिड चेन्स के बने होते हैं इसीलिए इसको टू टेल्स होते हैं, क्लियर। और हाइड्रोफोबिक है यानी कहने का मतलब है वाटर हेटर है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक में एल नहीं है यानी वाटर हेटर है। सो इट इज एन एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल, यानी कहने का अर्थ हो गया कि यह फॉस्फोलिपिड जो है यह वाटर लवर का भी काम करता है और वाटर हेटर का भी काम करता है, यानी हाइड्रोफिलिक का भी काम कर रहा है और हाइड्रोफोबिक का भी काम कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। किसे कहते हैं एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है और एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल होता है। और टेल जो होता है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वाटर एज हाइड्रोफोबिक, और यही टेल जो है आपका जो वाटर से प्रोटेक्ट कराता है एज हाइड्रोफोबिक। अब आप देखिए कि हेड्स जो होते हैं, हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ टू लेयर्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाइल टेल्स ऑफ टू लेयर्स फेस ईच अदर। तो ये तो मैंने बताया ही कि हेड जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और पुछी पुछी सटा के रखता है, टेल टेल सटा के रखता है ना। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स ए वाटर रेजिस्टेंट बैरियर, जिसके चलते यह क्या है, वाटर रेजिस्टेंट बैरियर की तरह कार्य करता है, यानी एक बांध है जो कि पानी को फ्लो करने नहीं देगा, इस पार से उस पार जाने नहीं देगा, वाटर रेजिस्टेंट बैरियर का काम करता है। और यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्पेशली ऑलिगोसैक्राइड्स, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो देख रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स स्पेशली कौन होते हैं, ऑलिगोसैक्राइड्स आर एसोसिएटेड विथ ओनली आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जब भी रहेगा तो आउटर सरफेस पर ही रहेगा। प्रोटीन्स तो आपको आउटर भी रहते हैं और इनर भी रहते हैं, है ना, सब इनर भी रहते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, आउटर सरफेस, कार्बोहाइड्रेट्स आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और मोस्टली पाए जाते हैं कौन, ऑलिगोसैक्राइड्स। दीज आइदर फ्रॉम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं कैसे, कहाँ से, ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास से। अब आप देखिए कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स, और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे वो आपको फॉस्फोलिपिड्स के मध्य में कहीं भी रह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी, जैसे देखिए आप यहाँ पर ये कार्ब आपका फॉस्फोलिपिड है ना, हेड और टेल फॉस्फोलिपिड का, और इस फॉस्फोलिपिड और हेड और टेल के बीच में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल फंस सकता है, कहीं भी बीच में जाकर के कोलेस्ट्रॉल फंस सकता है, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जरा जरा फंसा हुआ रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। दीज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एनिमल मेम्ब्रेन्स, और यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एनिमल मेम्ब्रेन्स में, कौन, कोलेस्ट्रॉल।
और ड्यू टू दिस क्वासी फ्लूड स्टेट बायो मेम्ब्रेन्स कैन अंडरगो डायनेमिक चेंजेज एंड हेल्प इन सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सेक्रेशन एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन इत्यादि। और इसी तरह से इस क्वासी फ्लूड स्टेट्स के चलते जो बायो मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, यदि वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ है, राइबोजोम्स के चारों तरफ है, आपका गॉल्गी बॉडीज के चारों तरफ ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। और ये बहुत सारे सेल के ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शन सेक्रेशन एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन में कार्य मदद करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है। तो सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ा उसी में थोड़ा सा रिडिफाइन कर दिया गया, रिफाइन हो गया, एंड दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यहाँ मेनली एक चीज कहा गया क्या कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फ्लूइड रूप में होता है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल तो आप लोगों ने पढ़ा ही, और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे यूकैरियोट्स हम लोगों के से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया इज लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलामिनार। ठीक, हम लोग की तरह ही इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपोप्रोटीनियस और ट्राइलामिनार ही होता है, बट डिफर्स इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ चीज़ों में डिफर है। पहला, स्टेरॉल मोलिक्यूल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल आर एब्सेंट। यहाँ पर क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स नहीं पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, जबकि यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, मोदेरॉन्स प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाते हैं। सेकंड, आप देखिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम बैक्टीरिया हैज पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मोलिक्यूल्स कॉल्ड होपनवायर्स। और कुछ ऐसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जिसका कि पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं क्या हम लोग, होपनवायर्स कहते हैं, है ना। सम बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पर आपको एक एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग कहते हैं होपनवायर्स। होपनवायर्स नामक एक केमिकल पाया जाता है जो कि ऐसा होता है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इट हैज लोकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन एंजाइम्स ऑफ इटीसी। और यहाँ बैक्टीरिया को क्या है भाई, प्रोकैरियोट्स है, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपको रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जो कि जनरली यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज इन्वेजिनेटेड टू फॉर्म मेसोजोम्स। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, मेसोजोम्स का फॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी अब यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखते हैं। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, सारे के सारे का क्या फंक्शंस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, या बायो मेम्ब्रेन जो है उनके क्या कार्य हैं। पहला, इट काउजेज कंपार्टमेंटेशन। सबसे पहला तो ये क्या है कि पूरे ट्रेन के डिब्बे को ये कंपार्टमेंट में बांटने का काम करता है। पूरे ट्रेन को कंपार्टमेंट में बांटने का काम कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल, एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट होता है कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो तो उसका कंपार्टमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो कंपार्टमेंटेशन का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करता है बिटवीन दीज कंपार्टमेंट्स टू मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरवल इन्वायरमेंट। और एक ये जो कंपार्टमेंट है, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें जो आपका आवश्यक एलिमेंट्स रहते हैं या फूड मटेरियल्स रहते हैं, उसको आपको इधर से उधर एक्सचेंज करने का भी काम जो करता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। दूसरा, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, और सेल को इंजरी से, किसी आघात से बचाता भी है। तो कौन बचाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बचाता है। कैरियर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये ध्यान देने का चीज़ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, या कह सकते हैं डिफरेंशियली परमिएबल होता है, या कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, विच रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स
बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रिंसिक फ्लूड, जो कि आपको साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रिंसिक फ्लूड से क्या करता है, मटेरियल्स को एक्सचेंज कराने का काम करता है। तो हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डायनेमिक मेम्ब्रेन है। कैसा है, तो डायनेमिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। डायनेमिक मेम्ब्रेन कुछ सेमी परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स। तो इसकी जो सेमी परमिएबिलिटी है वो होती है दो कारण से, एक तो होता है कि यह आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करता है और दूसरा यह शो करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यह हम लोग आगे देखेंगे। और मॉडिफिकेशंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस भी हमें स्टडी करने होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारे तरह से होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस, निश्चित फंक्शंस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने को मॉडिफाई कर लेता है और शो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, और अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन शो करता है एक निश्चित फंक्शंस करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए। जैसे कि आपका मॉडिफाई करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें, माइक्रोविली में, ग्लाइकोकैलिक्स में, पोर्स में, और इंडोसाइटिक वेसाइकल्स एंड सीट्स। ये पांच तो आप देख ही रहे हैं, और छठा इसका मॉडिफिकेशंस है जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेज। और इस जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेज को हम लोग पांच भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है, हमें स्टडी करना होगा इंटरडिजिटेशंस है। सेकंड है आपका टाइट जंक्शंस, थर्ड है डेस्मोजोम्स, एंड फोर्थ है गैप जंक्शंस, एंड फिफ्थ है प्लाज्मोडेस्माटा। ये पांच तरह के जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेज में आपको ये डिवाइड हो गए, और एक एक जंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्या है, सब के सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशंस है फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे और वहाँ इन मॉडिफिकेशंस की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।